Hello everyone, myself Khalid, lecturer electronics from JPC Pali. आज का हमारा टॉपिक है EL 206 सब्जेक्ट से हम लेंगे स्पेस वेव प्रोपोगेशन, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, मीन्स LOS प्रोपोगेशन। पिछले हमने दो लेक्चर्स में देखा था, हमने स्टडी किया था वेव प्रोपोगेटिंग मोड्स कौन कौन से तरह के होते हैं। उसमें पहला हमने देखा था ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन थी, उसको हमने रेक्टिफाई किया विद द हेल्प ऑफ सेकेंड वन मोड प्रोपोगेटिंग मोड, उसको हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव जो प्रोपोगेशन है वो हमारा वेरी हाई रेडियो फ्रिक्वेंसीज के लिए काम आता है, जो कि होती है बिटवीन 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके अबाउट 300 मेगाहर्ट्ज़ और उससे ज्यादा की फ्रिक्वेंसी के इसको हम काम में लेते हैं। जो हमारा स्पेस वेव है वो, उसमें जो हमारी वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीवर एंटीना आइदर डायरेक्टली, मींस हमारे जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है और तो रिसीवर एंटीना, तो वेव्स आइदर हमारी डायरेक्टली ट्रांसमिट करेंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स हमारी जो वेव्स होंगी वो ट्रांसमिटिंग, आप देखेंगे डायग्राम्स के अंदर जो वेव्स हमारी है वो डायरेक्ट हमारी ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेकर रिसीविंग एंटीना के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेव्स। और सेकेंड आप देखेंगे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से वेव हमारी ग्राउंड से या किसी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर भी हमारे रिसीविंग एंटीना के अंदर पहुंच सकती है, उसको हम बोलते हैं जनरली ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो हमारे जो दो तरह की वेव्स हो गई, जो डायरेक्ट हमारे ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के डायरेक्टली पहुंचेंगी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और आइदर फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। लेकिन जो हमारा रीजन होगा वो कौन सा होगा, हमारा अर्थ का ट्रोपोस्फेरिक रीजन। हमने देखा था पिछले हमारे स्काई वेव के अंदर कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो उसके अंदर हमारे पास में नीचे का रीजन जो आता है वो होता है ट्रोपोस्फेरिक रीजन। इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा आयनोस्फेयर, और उस रीजन के अंदर जो हमारा प्रोपोगेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ स्काई वेव्स। तो हम बात कर रहे हैं हमारे ट्रोपोस्फेरिक रीजन की, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसीज होंगी 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ की वो हमारे ट्रोपोस्फेयर रीजन के अंदर प्रोपोगेट करेंगी विद द हेल्प ऑफ स्काई स्पेस वेव प्रोपोगेशन, मीन डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टूवर्ड्स द रिसीविंग एंटीना। इसलिए इस वोट को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन। इसको हम लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, आप देखेंगे LOS प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, बिकॉज जो हमारी सिग्नल्स है वो हमारी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना अप टू द रिसीवर एंटीना। जैसा कि आपने देख रखा है डायग्राम के अंदर कि हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना से वेव्स जाकर डायरेक्टली पहुंच रही है रिसीविंग एंटीना के अंदर। हमने देखा जो हमारा जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन हमारा हम देख चुके हैं VHF मीन्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, और हमारी जो UHF है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी इन बैंड के अंदर और माइक्रोवेव्स के लिए हमारा काम करता है, और इसकी रेंज हम पहले भी देख चुके हैं 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ के लिए। इन जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं ये वाली, इनके अंदर जो हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन होगा जो हमने हमारा सेकेंड प्रोपोगेटिंग मोड था, और जो हमारा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन था जो हमारा फर्स्ट प्रोपोगेटिंग मोड था, वो दोनों ही इस कंडीशन के इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज के लिए फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इस फ्रिक्वेंसीज के अंदर जो हमारा प्रोपोगेटिंग मोड्स पॉसिबल है वो है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। आप देखेंगे हमारा इन फ्रिक्वेंसीज के लिए जो हमारी ये बात की हमने 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एसेंशियली हमारा लिमिटेड है फॉर लाइन ऑफ साइट पाथ के लिए, बिकॉज इन पर्टिकुलर वेव्स के लिए हमारी जो ग्राउंड वेव्स होंगी वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी बाय अर्थ, तो हमारा लंबा डिस्टेंस या आगे प्रोपोगेट नहीं कर सकेंगी। मींस हमारा जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होगा वो इन पर्टिकुलर केस के अंदर काम नहीं करेगा। सिमिलरली जो हमारी स्काई वेव्स थी वो भी हमारी आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ सकेंगी, क्योंकि हमारे पास में पर्टिकुलर रेंज थी हमारी स्काई वेव के लिए, वो हमारी 30 मेगाहर्ट्ज़ से कम की रेंज थी। वो जो फ्रिक्वेंसीज थी वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे आती हैं और सपोर्ट करती हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। लेकिन ये जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमारी आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ सकेंगी, इसलिए हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो देखा आपने जो हमारा अर्थ के एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन फेल हो जाएगा,
और हमारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके नहीं आएंगे, तो हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन भी फेल हो जाएगा इन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज के लिए। तो हमारे पास में ओनली जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा स्पेस वेव प्रोपोगेशन फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज। नाउ अब हम देखते हैं लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस क्या होता है। हमने अभी देखा जो हमारी वेव्स होंगी वो डायरेक्टली ट्रेवल करेंगी फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। जैसे आप देख रखे हैं डायग्राम के अंदर, ये हमारी वेव डायरेक्ट ट्रांसमिट कर रही है ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेके रिसीविंग एंटीना के बीच। तो द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना एट विच दे कैन सी ईच अदर, जिसको कि हम रेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, जो अभी देखा आपने हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये वाला ट्रांसमिट एंटीना का हाईएस्ट पॉइंट है और ये हमारे रिसीविंग एंटीना का हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे दिखेगा आपको ये वाला। तो दोनों एंटीना एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर है। और ये जो लिमिटेशन कहाँ से होगी, हमारी कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से लिमिट हो रही है, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे और उस रेंज के बाहर हमारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, जहाँ दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के अलाइन रहेंगे, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, LOS डिस्टेंस। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं फ्रॉम फार्मूला डी मैक्स इज इक्वल टू 4.12 रूट एच टी प्लस रूट एच आर, और जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर होगी, किलोमीटर के अंदर। देखा आपने जो हमारा डी मैक्स है लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स, और यहाँ पे जो हमारी एच टी फिगर है, ये वाला एच टी है, वो क्या है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना इन मीटर्स। एज इट इज हमारा जो एच आर है, इट इज ऑफ द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इन मीटर्स। तो जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है, ये वाली दिखा देंगे आप एच टी, ये हमारी ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है, ये एक्सप्रेस कर रखी है मीटर्स के अंदर, और हमारी जो रिसीविंग एंटीना की जो हाइट है एच आर, वो शो कर रखी है मीटर्स के अंदर। तो जब इन दोनों की वैल्यूज को आप इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो जो हमको मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा हमको किलोमीटर के अंदर मिलेगा, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ये जो हमारा लिखी लिमिटेशन जो होती है वो हमारी होती है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। आप देख रहे हैं डायग्राम्स के अंदर, अगर मैं इस ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना को मैं और दूर लेके जाऊंगा तो ये बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर ऑफ द अर्थ हमारा दोनों एंटीना एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे, अलाइन नहीं रहेंगे, उसके तो हमारा कम्युनिकेशन की रेंज कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आपको कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ानी है, द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड द रिसीविंग एंटीना। अगर हमने इस ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट को इंक्रीज कर दिया या हमने रिसीविंग एंटीना की हाइट को हमने इंक्रीज कर दिया, तो हम इस कर्वेचर को, जो अर्थ का हमारा कर्वेचर है, इसको अवॉइड करके हम और लंबा कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। नाउ इसमें हमारे एग्जाम्स के अंदर कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, प्लस हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, तो आपको फार्मूला याद रखना है और जो आपको वैल्यूज गिवन आएंगी उनको पुट करके आप करस्पॉन्डिंग आइदर हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना या रिसीविंग एंटीना या लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल, हमको दिया हुआ है एच टी, मीन्स हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना कितना है 40 मीटर्स है, और हमारा जो रिसीविंग एंटीना की हाइट है एच आर, वो गिवन है हमको 30 मीटर्स। तो आपने देखा पीछे जो हमारा फार्मूला होता है डी मैक्स, वो होता है इज इक्वल टू 4.12 अंडर रूट ऑफ एच टी और अंडर रूट ऑफ एच आर। यहाँ पे हमारे फार्मूले के अंदर एच टी और एच आर दोनों मीटर्स के अंदर है, तो हमको गिवन है एच टी गिवन है 40 मीटर और एच आर गिवन है 30 मीटर। तो हमने दोनों फार्मूले के अंदर पुट किया, 40 मीटर और 30 मीटर हमने पुट किया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमारे पास में 48.57, और जो यूनिट मिलेगी हमें कितनी होगी इसके अंदर, किलोमीटर। तो अगर मैं ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट 40 लेता हूँ, रिसीविंग एंटीना की हाइट 30 मीटर लेता हूँ, तो हमने देखा कि हमको लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कितना मिल रहा है 48.57 किलोमीटर। ना अगर आप इसकी रेंज लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन है कि आइदर वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना और वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना। तो इन किसी भी एंटीना की हाइट को इंक्रीज करके हम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। नाउ अब देखेंगे इसकी एडवांटेज क्या होती है। दिस कम्युनिकेशन रिक्वायर्स चीपर इंस्टॉलेशन, हमको ओनली अपने ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना इंस्टॉल करने, और दोनों एंटीना एक दूसरे को आपस में देख सकेंगे, तो हमारा इंस्टॉलेशन चीपर है।
और जो हमारी वेव होगी वो डायरेक्टली प्रोपोगेट करेगी फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। नाउ हम डिसएडवांटेज देखेंगे, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया, जो हमारा मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस है, मैक्सिमम रेंज ऑफ जो कम्युनिकेशन बोलेंगे हम, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, वो हमारी अफेक्ट होगी फ्रॉम कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो अगर हमको रेंज को बढ़ाना होगा तो हमारे पास ऑप्शन देखा पीछे अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर कि हमको ट्रांसमिटिंग एंटीना या रिसीविंग एंटीना की हाइट को हमको इंक्रीज करना होगा, बिकॉज कर्वेचर ऑफ अर्थ हमको लाइन ऑफ साइट को लिमिट करता है। और ये थी हमारे नाम भी इसका है कि लिमिटेड टू द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, बिकॉज लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस के लिए है। तो हमारे पास में इसकी ड्रॉबैक है, इसकी एप्लीकेशंस होती है स्पेशली फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर, इसको हम काम में लेते हैं। कोई भी हमारा डिफरेंट सिग्नल्स हैं जिसको हम सैटेलाइट की हेल्प से ट्रांसमिट कर रहे हैं, वह इसको हम काम में लेते हैं। हमारा रडार कम्युनिकेशन है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्काई वेव प्रोपोगेशन। रडार्स की हम सब क्या होता है, रडार हम सब अच्छी तरह जानते हैं रडार कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों हम काम में लेते हैं। ऐसे माइक्रोवेव लिंकिंग, जो हमारे माइक्रोवेव लिंक्स होंगे फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया, हमको कम्युनिकेशन भेजना है बल्ब के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग करके, तो लिंक्स के अंदर भी हम स्काई वेव प्रोपोगेशन को काम में लेते हैं। ओके, थैंक्स।